बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफजाल अरशद और आपके साथ एक बार फिर हाजिर हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ। ये बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें बताएं कि जो चिकन डोनट्स हैं जो सुब्रोसों के आप खाए होंगे, आपने लाजमी बात है, बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि हमें उस रेसिपी के बारे में बताएं, वो किस तरह बनाए जाते हैं, क्या प्रोसीजर है उसका और सारी चीज़ें। तो बड़ा आसान प्रोसीजर है, बड़े लाइट से मसाले उसके अंदर जाते हैं, जिस तरह हम नगेट्स बनाते हैं या पैटी बनाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। तो वो आज बनाना बता रहे हैं आपको। ये मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे या वैसे जो है कमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी मेरी बहनों ने और भाइयों ने भी कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो टिफ़िन बॉक्स की कुछ रेसिपीज़ हमें बता दें जो बच्चे पसंद करते हैं, जो KNN या सब्रोसो वगैरह की आजकल मार्केट में आ रही हैं। तो ये चिकन डोनट्स एक प्राइम रेसिपी है उस हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं इधर इसकी जो मैरिनेशन है, मतलब क्योंकि इसके अंदर लाजमी बात है चिकन डोनट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर जो है चिकन बोनलेस जाएगा, चिकन बोनलेस को मैरिनेट भी करना पड़ेगा हमें स्पाइसेस के साथ। और ये क्योंकि हम सब्रोसो के जो आप चिकन नगेट सॉरी डोनट्स खाते हैं, ये वही हम चीज़ बना रहे हैं तो वही रेसिपी को हम उसको फॉलो करेंगे। और ये जो चिकन है इसको हमने कीमा बनाना है बारीक, तो उसके लिए जो है हमें लाजमी बात है कि इसको छोटे पीसेस में करना पड़ेगा ताकि हमारे फूड प्रोसेसर के अंदर हम इसको ब्लेंड कर सकें, बारीक कर सकें, उसी के साथ सारे स्पाइसेस डालेंगे उधर और इसको मैरिनेट करेंगे। तो इसको काटना कैसे है कि रफली जो है आपने इसके जो बारीक छोटी बोटियां बना लेनी है जितनी के फूड प्रोसेसर के अंदर मिक्स करते हुए हमें आसानी रहे। तो इस तरह इसकी जो स्लाइसिस करके तो इस स्टाइल की इतनी इतनी बोटियां बना लें, मैं सारा चिकन करता हूं। तो ये देखें जी, चिकन हमारा जो है उसको काट लिया, ये जो है नॉर्मल साइज़ की बोटियां हैं, ये 1 किलो चिकन है, चिकन का सीना है सिर्फ। इसके अंदर जो है वो थाई नहीं यूज़ कर रहा मैं, आप चाहें तो कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर सीना सिर्फ यूज़ होगा, बोनलेस ब्रेस्ट चिकन का। तो इस चिकन को जो है अब हमने फूड प्रोसेसर के अंदर जो है इस तरह के फूड प्रोसेसर चॉपर के अंदर इसको जो है हमने ग्राइंड करना है ताकि ये बारीक हो जाए, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक फाइन पेस्ट ही चाहिए इस चिकन की जिससे चिकन डोनट्स बनेंगे। तो इसके अंदर जो है चिकन की स्किन वो अगर आपको मिले, वो मिलेगी कहाँ से, जो होल चिकन सेल करते हैं जैसे KNN's मेन्यू वो आप लें तो उसके साथ चिकन होती स्किन होती है चिकन के साथ ही। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो क्या यूज़ करें, उसके अंदर ब्रेड नहीं यूज़ करें, ब्रेड के अंदर जब ब्रेड को बनाया जाता है तो शुगर का यूज़ किया जाता है तो मिठास आएगी। तो हमने क्या करना है कि हम जो है इसके अंदर ये यूज़ करेंगे, ये मेरे पास इधर देखें, ये है कॉर्नफ्लावर, ये है मैदा, ये दोनों चीज़ों को यूज़ करेंगे। इन दोनों चीज़ों को यूज़ करने का पर्पज़ या ब्रेड को यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि डोनट्स स्टिकी हो जाएं, उनके अंदर जो एक स्ट्रेच और रबड़ जैसा पन मतलब एक खासियत होती है वो उसके अंदर आ जाए। तो करना क्या है कि हमने जो है फूड प्रोसेसर के अंदर ये लेना है, असल में क्योंकि जो स्किन होती है वो एक्चुअली होती है फैट, वो स्टिक मतलब उसके अंदर स्टिकीनेस भी होती है, जब वो पकती है तो मेल्ट हो जाती है, वो ज़्यादा बेहतर है। और ओरिजिनली नगेट्स डोनट्स और इस तरह की पैटी इस तरह की चीज़ों के अंदर हमेशा स्किन यूज़ की जाती है। अल्टरनेट बहुत सारे लोग पूछते हैं तो वो अल्टरनेट उसका ये है कि आप कॉर्नफ्लावर और मैदा यूज़ करें। तो आधा चिकन जो है इसके अंदर डाल दें, तो इसके अंदर ये चिकन मैंने डाल लिया इसके अंदर, अब जो है इसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के, ये टी स्पून है मेरे पास, टी स्पून 2 कॉर्नफ्लावर और 1 जो है वो मैदा इसके अंदर आप डाल दें। तो ये जो है इधर इसको ब्लेंड कर लेते हैं। अब क्या करें कि आप एक खुला बर्तन ले लें जिसके अंदर मिक्स कर सकें, क्योंकि हमने आपको पता होगा अगर आपने कोई पिछली वीडियो देखी है तो इसको गूंदना है ताकि इसके अंदर जो है एक स्ट्रेच पैदा हो, इसके रेशे जो हैं वो अलग अलग हो जाएँ। तो ये देखें एक स्टिकी सी पेस्ट बन गई है चिकन की जो हमें चाहिए। तो आपको ब्रेड वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर आप जो है ये कॉर्नफ्लावर और इसको मैदे को यूज़ करेंगे तो बड़ा अच्छा इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये चिकन आ गया बाहर, अब जो है हमने क्या करना है कि बाकी चिकन को अंदर डाल देना है, उसके अंदर आपने मैदा और कॉर्नफ्लावर एक्स्ट्रा नहीं डालना, ये टोटल क्वांटिटी थी जो हमने इसी चिकन पहले बैच के अंदर डाल दी है। अब जो बाकी चिकन था उसको भी हमने ग्राइंड कर लिया, तो इसको सारे को बाहर निकाल लें और इसके अंदर फिर स्पाइसेस ऐड करते हैं। चिकन हमारा आ गया है, तैयार है, इसको मैरिनेट किया जाए। मैरिनेशन के लिए ये 2 चीज़ें हैं, 2 हर्ब्स हैं, इनको जो है हमने पहले बारीक कर लेना है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा ये मोटी हैं, ये देखें इसके पत्ते मोटे हैं। इसी तरह ये जो है
ये मेरे पास है इधर, थाइम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और अगर आप उर्दू में किसी पंसार से लेना चाहें तो जंगली पुदीना बोलते हैं इसको। बहुत सारी डिशेस के अंदर ये यूज़ होता है, तो ये आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा सूखा हुआ, तो आपने इसको बारीक कर लेना है। तो उसके बाद ये है मेरे पास ओरिगानो, ये ओरिगानो जो है ये भी आपको बड़ी इजीली मिल जाता है, इसको भी बारीक कर लेना है ताकि इसके चंक्स हमें ना मिलें, बड़े बड़े पत्ते इसके ना आएँ, तो ये बारीक हमें मिले। तो करना क्या है कि इस तरह क्या आप मोटर ले लें जिसके अंदर इसको हम कूट सकें, तो हाफ टी स्पून ये ओरिगानो लें, ये देखें हाफ टी स्पून ओरिगानो इसके अंदर डाल लें, और हाफ टी स्पून जो है ये हाफ से कम, हाफ से कम, ये बिल्कुल इसकी बहुत तेज़ खुशबू होती है, ये आप सूंघेंगे ये तो आपको पता चल जाएगा, इतनी दूर से मुझे खुशबू आ रही है इसकी, तो हाफ से कम आपने इसको लेना है, ये इसके अंदर डाल दें, और इनको जो है बारीक करके हम इसके अंदर चिकन के अंदर डालते हैं। तो इसको जो है ये दोनों जो हमारे पास ये बूटियाँ थी या इसको आप स्पाइस कह लें, इनको बारीक कर लिया, तो ये जो है इसके अंदर अब डाल दें आप। इसको आप क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल ग्राइंडर के अंदर बिल्कुल फ़ाइन करके छान के बिल्कुल डस्ट बना लें, वो जो है ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो है नज़र उस सूरत में आपको ये नगेट्स या किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये स्पेशली यूज़ होते हैं डोनट्स के अंदर, जो ये रेसिपी आज बना रहे हैं उसके अंदर, तो इसको जो है बारीक करेंगे तो ये नज़र नहीं आएगा अंदर, तो ये इतनी ही जाएंगी इसके अंदर। अब जो अगली चीज़ है वो नमक और मिर्च जाएगी इसके अंदर। नमक के लिए जो है एक टीस्पून नमक डालना है, ये टीस्पून में मैं क्वांटिटीज़ बता रहा हूँ आपको सारी, जो पहले ओरिगानो और ये थाइम की बताई है, एक टीस्पून ये नमक है मेरे पास इधर, इसको डाल दें। और दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर वो जाएगी ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर क्योंकि ये इसका कलर को डार्क करेगी इसलिए इसकी क्वांटिटी कम यूज़ करते हैं हम, तो ये जो है आपने इसके अंदर हाफ टी स्पून जो है ब्लैक पेपर इसका डाल देना, ये चलेगी। और वाइट पेपर है, वाइट पेपर जाएगी इसके अंदर, ज़्यादा जो हमें स्पाइसी फ्लेवर चाहिए वो वाइट पेपर से मिलेगा, ये पौना टीस्पून वाइट पेपर है वो इसके अंदर डाल दें। तो ये जो स्पाइसेस इतने ही जाएंगे इसके अंदर, और आपने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डालनी, लाल मिर्च, गरम मसाला, इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं जाएगी। अब जो अगली चीज़ है इसके अंदर वो जाएगी, ये देखें ये मेरे पास है शहद, ये वाइट शहद है हनी, इसको जो है आपने ये देखें इधर तकरीबन ये पौना टीस्पून है ये भी, ये जो है हमें एक बड़ा ग्लेजिंग फ्लेवर देगा इस रेसिपी के अंदर, तो इसको आपने इसके अंदर डाल देना है। ये जो है जो कमर्शियल रेसिपीज़ होती हैं उनके अंदर या जो आप खाते हैं ये सब्रोसो वगैरह के, उसके अंदर जो डाला जाता है आर्टिफिशियल शुगर है उसको ऐड किया जाता है, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करेंगे, हम इस जगह पर शहद यूज़ करेंगे। या आप रेसिपी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और बच्चे भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। इसके अंदर जो आखिरी चीज़ है वो मेरे पास है मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट ले लें और एक टीस्पून इसके अंदर जो है आपने मस्टर्ड पेस्ट का डाल देना, ये देखें ये मस्टर्ड पेस्ट इसके अंदर डाल दें। मैरिनेशन हमारी इधर कंप्लीट हो गई है, अब हमने इसको इधर गूंदना है, तो हाथ अच्छी तरह हमेशा की तरह धोएं और इसको अच्छी तरह इधर मलें ताकि जो रेशे जो हैं इसके वो अलग अलग हो के एक हमें बड़ा स्ट्रेची सा बैटर सा मिल जाए ताकि उसके हम डोनट्स बना सकें। ये रेसिपी जो है ये आपको इंशाल्लाह, मेरा नहीं ख्याल आपको इंटरनेट पे ये रेसिपी भी कहीं पे मिलेगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब आपने क्या करना है कि ऑयल लेना हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, इसको हाथ के ऊपर डाल के इसको एक दफ़ा करके, तो इस ताकि चिकन को जो है वो एक हल्का सा शाइनी सा कलर सा मिल जाए, शाइन आ जाए इसके अंदर। तो इसको जो है हमने अब इसके डोनट्स बनाने हैं, तो इसको अच्छी तरह आप गूंद लें ऑयल लगाने के बाद। तो जी अब हमने इनको शेप देनी है और शेप दे के जो है इसको फ्रीज़ करेंगे, फ्रीज़ करने के बाद इसकी फ्राइंग होगी। फ्रीजिंग के बाद जो फ्राइंग है वो एक एक्स्ट्रा फ्लेवर उसका आता है। हम एक डोनट का वज़न रखेंगे वो तकरीबन 70 ग्राम आप रखें टिक्की का वज़न, और अंदर से उसको थोड़ा सा निकालेंगे बस। तो ये है अब ये इधर अगर आप क्लोजली आप देखें इधर मेरे पास ये मेरे पास पानी है, पानी जो है हाथ डिप करें पानी के अंदर और एक जो है इधर से क्या करें कि ये इधर से हमारा जो हमने ये तैयार किया ये लें इसको और इस तरह इसकी बॉल बना लें, ये देखें, और इस बॉल का आप वज़न कर लें कि कितना इसका वज़न आता है। 70 ग्राम होना चाहिए तो परफेक्ट बनेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटा रखेंगे तो ये फूलेगा भी। तो ये देखें ये 74 है,
और ये 70, तो ये जो है इतना वज़न इसका नॉर्मल है, ये फूलेगा भी तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वरना डोनट बहुत बड़ा बन जाएगा और अजीब सा वो उसकी शक्ल आएगी। तो ये नॉर्मल साइज़ है इसका, और इसी हिसाब से जो है एक किलो के अंदर आप निकाल सकते हैं कि कितने डोनट्स बने हैं। अब जो है इसको अच्छी तरह इसकी बॉल बना लें, और बॉल बनाने के बाद इसको हमने इसकी टिक्की बनानी है, और टिक्की से जो है अंदर से इसको निकाल देंगे। तो ये बॉल बड़ी अच्छी बन गई है इसकी, तो अब इसको क्या करें, हाथ से इस तरह दबा दें, ये देखें इस तरह, तो इसको इधर प्लेट पे ले आए। ये बिल्कुल इसको गोल कर लें, क्योंकि इसका कोई मोल्ड वगैरह हमें नहीं मिलता मार्केट से डोनट्स बनाने का, ख़ुद बनाया जा सकता है थोड़ी सी चेंजिंग करके किसी चीज़ के अंदर, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं हाथ से बनाना बता रहा हूँ। तो इस तरह जो है इसकी पैटी बना लें, और पैटी, हाँ ये पैटी मेकर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था उसको यूज़ कर लें, तो वो सबसे आसान है, पैटी बन जाएगी, पैटी के बाद जो उसके अंदर से हम उसको निकाल देंगे। अब इस तरह का कोई बॉटल का ढक्कन ले लें आप, तो उसको क्या करें, सेंटर में रखने के बाद नीचे दबा दें, तो ये जो है कट जाएगा इधर से, और इसको साइडों से उठाएंगे तो हमें ये अलग से डोनट जो है वो मिल जाएगा। ये देखें, इसको क्या करें, आप पकड़ें और इसकी शेप दे दें थोड़ी सी, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो डोनट शेप आ गई है इसकी। अब जो है इसको हमने इसका करना है, जो इसकी हमने ऊपर कोटिंग करनी है, तो वो कोटिंग किस तरह बनेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको साइड पे रख दें। इधर मेरे पास अगर आप देखें तो तीन तरह की चीज़ें हैं, ये मेरे पास मैदा है, कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्स। आपने क्या करना है कि दो चमचियाँ मैदे की ले लें, मतलब इस रेशो से, आप जितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, रेशो ये वाली यूज़ करें, दो कॉर्नफ्लावर और दो ही ब्रेड क्रम्स, मतलब इक्वल क्वांटिटी में जाएंगी सारी चीज़ें, और इसको बड़ा एक ज़बरदस्त जो है वो फ़्लेवर मिल जाएगा। और ब्रेड क्रम्ब आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मसला कोई नहीं, किसी भी रेशो को आप चेंज कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ब्रेड क्रम्स जो है वो किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड के ले लें, कोई मसला नहीं है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, ये देखें ये मिक्स होके कुछ इस तरह की शक्ल आ जाएगी। तो सेम रेशो से आप जितना मर्ज़ी इस तरह का ये जो हमारा ड्राई बैटर है वो बना सकते हैं। तो ये जो डोनट है इसको ले आएँ इधर, और इसको अच्छी तरह इससे कोट कर दें, ताकि ये जो इसके अंदर ऊपर गीलापन है वो हल्का सा, ये जो हमारा मैदा और ब्रेड क्रम्स ये सोक कर लें, ताकि ये सारा चिपक जाए। और लेयर बनानी है हमने मोटी सारी इसकी, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको उठाएँ, ये देखें इसको डालें, ये जो अंडा है, अंडे को फेंटा हुआ है सिर्फ, और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, उसके अंदर डाल दें, ये देखें इधर से निकालें, और ये देखें एग वॉश हो गया इसका। अब जो है वापस इसे ले आएँ इधर, ये देखें। और अगर आप इसको डी शेप होने से बचाना चाहते हैं, या डी शेप हो जाता है आपसे, तो आप क्या करें कि इसकी शेप बनाएँ जो मैंने पहले बनाई थी, और कोटिंग जो है फ्रीज होने के बाद कर लें, वो भी कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनल है दोनों चीज़ें, जिस तरह आप करना चाहें उस तरह कर लें। तो लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो ये देखें, ये इसको अच्छी तरह, ताकि ये ऊपर अच्छी तरह लग जाए, तो ये देखें ये बन गया डोनट हमारा, बहुत ही ज़बरदस्त शेप है, और बिल्कुल डी शेप नहीं हुआ, आराम से करेंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज़ आप इसे क्या करें, इसकी शेप बना के फ्रिज में रखें, और इसको बाद में इसकी कोटिंग कर लें। तो ये देखें, तो ये डोनट जो है वो तो हमारा बन गया है। अब इस कंडीशन में भी आप फ्रीज़ करें इनको, ताकि ऑयल के अंदर डालते हुए भी डी शेप ना हो, और एक हमें जो फ्रीजिंग से एक्स्ट्रा फ्लेवर मिलता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, वो हमें मिल जाए। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे डोनट्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के तैयार हैं। तो इनको जो है आप क्या करें कि जब किसी ट्रे वगैरह में नीचे रख रहे हों, तो नीचे डस्टिंग कर लें मैदे की, तो ये क्या होगा कि चिपकेंगे नहीं प्लेट के साथ। अब हमने इनको फ्रीज़ करना है, इसी तरह फ्रीज़र में ले जाएं आप, फ्रीज़ करने के बाद इनको, यानी कि 3-4 घंटे फ्रीज़ करें, ताकि ये ऑयल में जाते वक्त या वैसे जो है डी शेप ना हो। तो अब जो है वापस हम मौजूद हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने इसको फ्राई करना है, ये इधर मेरे पास फ्रायर है, इधर अगर आप देखें
तो ये जो है ये फ्रायर है, इधर जो है इसका टेम्परेचर पूरा है 155-160 पे, तो ऑयल का टेम्परेचर पूरा है, ऑयल गर्म है। और ये मेरे पास इधर जो हमने डोनट्स फ्रीज़ किए थे, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब इनको फुल फ्रीज़ कर देना है जैसे कि हार्ड हो जाए बिल्कुल। और अगर कोशिश करें कि इनको जो है ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, अच्छी तरह मैदा लगा के रखें जो है, फिर जो है इनकी बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त इधर से शेप आएगी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये जो टेक्सचर होता है इसका डोनट्स का, या जो ये सबरोसो के आप लेते हैं तो सेम इस तरह का टेक्सचर होता है। अभी फ्राई होंगे तो आपको पता चल जाएगा। इन्हें लगेंगे 6 से 7 मिनट सिर्फ इस फ्रायर के अंदर, तो इसको जो है ड्रॉप कर देते हैं। ये देखें ये जाएंगे ऑयल के अंदर। तो अब जो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनको कुक करने का जो तरीका है, अगर घर के अंदर आप बना रहे हैं तो आप कढ़ाई के अंदर ऑयल को गर्म कर लें और उसको जो है फुल फ्लेम पे गर्म कर लें। जैसे ही डोनट्स को अंदर ड्रॉप करेंगे तो आपने ऑयल के टेम्परेचर को मीडियम पे ले आना है और मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट या 6 से 7 मिनट उसको कुक करना है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो डोनट्स हैं वो आपके बन जाएंगे। लाइट ब्राउन कलर होगा उनका, अंदर से फुल्ली कुकड होंगे। कुक होते ही ये चिकन जो है वो फूलता है, तो ये भी फूल के बिल्कुल राउंड हो जाएंगे। तो इनको टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह का टेस्ट आता है और क्या इसकी शक्ल आती है। तो ये देखें इधर अब जो है डोनट्स तैयार हैं। इनको 6 मिनट दिए हैं मैंने 160 टेम्परेचर पे और ज़बरदस्त कुक हो के फ्लोट होना शुरू हो गए थे, मैंने निकाल लिए हैं इनको। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो डोनट है तैयार है, बड़ा ही ज़बरदस्त। ये देखें कितना क्रिस्पी टेक्स्चर है ऊपर और अंदर से बिल्कुल ये जैसे सॉफ्ट होता है, स्ट्रेची होता है, उसी स्टाइल में होगा। और अंदर से इसको अगर मैं तोड़ के दिखाऊँगा आपको तो ये देखें स्ट्रेची, देखें ज़बरदस्त कुक्ड है अंदर से, ज़बरदस्त स्ट्रेची। और ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। आप इसको ट्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आएगा। तो ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त कुक्ड है अंदर से, बिल्कुल स्ट्रेची चिकन है ये देखें ये। तो अगर इसको टेस्ट करें, बड़ा लाइट सा और बड़ा इसका ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। इसको आप अगर घर पे बनाएंगे फिर आपको आइडिया होगा कि कितना अच्छा टेस्ट है इसका। ये इंशाल्लाह आपके बच्चों का जो टिफ़िन बॉक्स है उसकी कम्प्लीमेंट्री आइटम बन जाएगी, बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी मतलब बच्चों की पसंद की है और उसका मीट भी। तो इंशाल्लाह आगे भी और बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ आपके साथ आते रहेंगे। तब तक जो है वो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।